नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे JVVNL राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जो 25/8/2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो एग्ज़ाम आपसे पूछा गया था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो आपसे एग्ज़ाम लिया गया था उसके राजस्थान जीके के ओनली पार्ट पे ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 6 पेपरों के बारे में सॉल्यूशन कर लिया है। ये हमारा पेपर नंबर 7 है राजस्थान जीके के पार्ट के। हम टोटल 25 क्वेश्चंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यदि आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वाइज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रत्येक ऑप्शन के ऊपर हम बात करें, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 की मेज़बानी करेगा। मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप लोग करंट के ऊपर भी ज़रा फोकस करिएगा, क्योंकि करंट से संबंधित आपसे लगभग 7-8 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट और कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे, तो कौन सा देश है जो वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी करेगा। तो वो कौन सा देश था, तो 2018 में जो देश था वो कौन सा था, जर्मनी था, जो पवन शिखर सम्मेलन की 18 की मेजबानी जिसने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कि निम्नलिखित में से किसने वार्षिक BCCI पुरस्कार में पोली उमेगर पुरस्कार 2018 जीता था। तो किसने जीता था, अपने विराट कोहली ने, जो उस टाइम के भारतीय कप्तान थे, तो उन्होंने पोली उमेगर पुरस्कार 2018 को जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन डिटेल के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। जो अपना डिटेल वाइज क्वेश्चन आएंगे वो आगे आपको दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहली बार भारतीय पर्यटन मार्ट की मेज़बानी करेगा, ITM भारतीय पर्यटन मार्ट की जो मेज़बानी है वो कौन करेगा, तो वो करेगा नई दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से आमतौर पर पॉलीएमाइडर किसे कहा जाता है, तो नायलोन को जो क्या कहा जाता है, पॉलीएमाइडर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, मानव शरीर में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे, मानव सूत्रों और लेबलों को स्प्रेडशीट्स में किसमें संग्रहित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, सेल में संग्रहित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, PDF का विस्तार क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। PDF का विस्तार क्या है, PDF जो आप PDF पढ़ते हो ना फोन वगैरह में, तो उसका विस्तार क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, ग्राफिक्स फाइलों का विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है, ग्राफिक्स फाइलों का विस्तार। तो ग्राफिक्स फाइलें BMP.GIF JPG PNG, ये सभी जो फाइलें होती हैं ग्राफिक्स फाइलें होती हैं। ठीक है, को चलिए क्वेश्चन नंबर 109, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये जो कंप्यूटर है ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 1401। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को 4 भागों से युक्त संख्याओं की एक स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर जो आईपी एड्रेस है उसके द्वारा इनको पहचाना जाता है, जो कि एक इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111, नीलामी साइट का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, ईबे जो है वो नीलामी साइट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा ई बैंकिंग का रूप है, ई बैंकिंग का रूप कौन कौन से हो गए, तो ये सभी जो हो गए वो ई बैंकिंग के रूप, मोबाइल बैंकिंग ई बैंकिंग में आता है, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्सन, प्रत्यक्ष जमा कराना भी ई बैंकिंग के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए तो आपसे क्वेश्चन नंबर 113 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है EFT। EFT क्या कहलाती है, कि ये चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में इसमें नकदी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे कि ई कॉमर्स के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा समुदाय है, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में, तो ई कॉमर्स के वर्गीकरण क्या गया, व्यवसाय से व्यवसाय जो है वो एक सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में माना जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कि स्विफ्ट का विस्तार क्या होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट का विस्तार रूप होता है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है कि आखिर स्विफ्ट किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यदि आपको इंडिया से इंडिया में या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में इंडिया के अंदर ही पैसे का ट्रांसफ़र करना है तो IFSC कोड का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, IFSC कोड का आप इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी प्रकार से यदि एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना है पैसों का, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? स्विफ्ट के थ्रू किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में फ़िलहाल यूक्रेन और फ्रांस के मध्य में एक युद्ध चल रहा है, तो उसके संबंध में अमेरिका ने जो रूस है उसके ऊपर ये इस प्रकार का प्रतिबंध जारी किया है कि वो कहीं पर भी एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में पैसों का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। और क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना है जो 1982 में की गई थी। यदि दोस्तों नाबार्ड की बात करूँ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मैं बात करूँ, ये भारत के लिए है, काम करता है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रथम अध्यक्ष जो इसके बनाए गए थे रंजना कुमारी को बनाया गया था, ठीक है, जो जिसे प्रथम महिला अध्यक्ष भी कहते हैं। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंतला की इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे बताया गया है? श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछा गया है, तो श्वेत क्रांति जो होती है तो वो किसके लिए होती है? दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति होती है। और श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, भारत की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है दूध उत्पादन जो श्वेत क्रांति है इसको, क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और इसके जो जनक थे भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। चलिए इसी से संबंधित हम बात करते हैं कि मांस का उत्पादन कौन सी क्रांति में आता है, तो मांस का उत्पादन है जो लाल क्रांति से संबंध रखता है। और विशाल तिवारी जनक है इसके भारत के लिए, ठीक है। इसी के अलावा जो लाल क्रांति है मांस और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टमाटर के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि मांस के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दूध के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। चलिए तीसरा आपको दिया गया, मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। और अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी इसके भारत में जनक थे, अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी भारत में जनक थे। और FFDA भी कहा जाता है इसको, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और मत्स्य उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य जो है वो भारत में प्रथम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित और भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो मनाली फिलीपींस में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको पिछली बार टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है। चलिए जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, गणगौर उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जो गणगौर उत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है? मार्च से
अप्रैल के मध्य में क्या बनाया जाता है, गणगौर उत्सव बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की बात की गई है, तो राजस्थान में जो अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर को कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। किसने, कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। और गुरु शिखर जो है वो दत्तात्रेय का मंदिर है गुरु शिखर के ऊपर, ठीक है। चलिए गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू की सिरोही में गुरु शिखर स्थित है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, गुरु शिखर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। यह माउंट आबू की सिरोही में स्थित है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करेंगे यहाँ पर। गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी तो आ गई गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर आ गई। और भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, यदि इसकी बात करें तो भारत की सबसे ऊँची चोटी होगी जो कंचनजंगा हो गई, 8586 किलोमीटर, 8586 किलोमीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। दुनिया के तीसरे नंबर की चोटी है और सिक्किम में ये स्थित है, ठीक है। यदि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो कौन सा हो गया, केटू पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया, केटू पर्वत हो गया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है या फिर चोगिर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला कौन सा है, तो एवरेस्ट पर्वत है सागरमाथा या फिर चोमोलुंगा, जिसकी ऊंचाई है 8850 किलोमीटर। केटू की ऊंचाई 8611 किलोमीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 किलोमीटर है। भारत की दूसरी चोटी कौन सी है, नंदा देवी चोटी है, जो इसको 7816 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 123, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बारा जिले में, ये क्या है, बारा जिले में छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है और इसकी जो मेगावाट है 2320 मेगावाट ये विद्युत का उत्पादन करता है। अब यदि भारत में बात करें तो विध्यांचल महाताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है और सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसकी जो दक्षता होगी 4760 मेगावाट की दक्षता है। विध्यांचल महाताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। राजस्थान का सबसे बड़ा छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो बारा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ये आपको पूछा गया किस शहर को ब्लू सिटी कहा गया है। तो आपको याद रखना है जोधपुर शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जोधपुर को क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है। यदि हम बात करें तो हरित सिटी किसे कहा जाता है, तो हरित सिटी चंडीगढ़ को कहा जाता है। सिल्वर सिटी की बात करें कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उदयपुर की बात करें तो वाइट सिटी। जैसलमेर की बात करें गोल्डन सिटी या पीली नगरी। और जयपुर की बात करें पिंक सिटी या भारत का शहर, ठीक है। और नारंगी सिटी की बात करें तो नागपुर को नारंगी सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 125 कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। जबकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है एक वैसे तौर पर, ठीक है, जैसे माना किसको जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।